Two stretched spring X and Y are attached to one end of a meter roll. As shown, a weight W is hung from the other end. A pivot is at the center of the roll लिखा हुआ है. कह रहे हैं कि the weight W is moved towards the pivot. How does the extension of each spring change? देखिए पाइवट कहते हैं कि द वेट डब्ल्यू इज मूव टूवर्ड्स द पाइवट. ये जो वेट है आप पाइवट की तरफ लेके जा रहे हैं. ये दो स्प्रिंग्स है, एक ये स्प्रिंग है एक ये स्प्रिंग है. अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज कर देखें इस वेट के मूव करने से सिचुएशन को जरा समझ लें. इस वेट को जब मैं यू मूव कर रहा हूँ या ये मूव कर रहा हूँ तो ऐसा करने से सी अब यहां पर लिखा कि हाउ ओके द वेट डब्ल्यू इज मूव टूवर्ड्स द पाइवट. पाइवट की तरफ जब मैं करूंगा तो इसका जो जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये स्प्रिंग एक्स के अंदर एक्सटेंशन आएगी क्योंकि जैसे ही कम होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा. नीचे की तरफ आएगा तो एक्स के अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी. तो लिखा हुआ इसमें कि एक्स के अंदर डिक्रीज डिक्रीज सी इंक्रीज और डिक्रीज, आपके पास सी आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो ये तो बिल्कुल सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 22, ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 22, अ पीस ऑफ यूनिफॉर्म कार्ड इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पिन, व्हिच पॉइंट इज इट द सेंटर ऑफ मास. तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है, सी इसका आंसर आ रहा है. अ बीम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज पिवोटेड एट वन एंड. The weight of the beam is 4 newton and the x at a point 20 centimeter from the pivot. अच्छा ठीक है, weight 20 centimeter from the pivot के ऊपर एक कर रहा है. A 2 newton weight hangs 10 centimeter from the pivot. Okay, ये भी दिया हुआ है उसमें. और 20 centimeter from the pivot जो है उसका weight एक कर रहा है जो कि 4 newton है. An upward force U is needed to keep the beam horizontal. What is the size of U? देखिए आपके पास clockwise moment जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 2 multiplied by 10 plus 4 multiplied by 20 is equal to U multiplied by 40. तो अगर मैं U को इधर छोड़ देता हूं और ये 210 से 20 हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा. तो 20 प्लस 40 U इज इक्वल टू 100 अपॉन 40. ये 4 2 8 2.5. U इज इक्वल टू 2.5. हमारे पास C आंसर आ रहा है. क्वेश्चन का प्रॉब्लम आ रहा है, आगे समझ में ना, क्योंकि जो क्लॉकवाइज है वो आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, ठीक है. ये वाला क्योंकि 4 न्यूटन के लिए इस वेट के लिए जो मोमेंट आर्म है वो 20 बन रहा है. इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय, चूंकि मोमेंट आर्म यहाँ पे 40 है तो यू मल्टीप्लाई बाय 40. इस तरीके से 2.5 हमारे पास आंसर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 24, a uniform beam is pivoted at its center. Two weights are placed on the beam in the position shown and the beam is balanced by an upward force F. ये चीजें गिवन है. What is the size of F? ये पाइवट है, ये 30 न्यूटन है. तो मैं अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज, मेरे पास दो एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी. एक मेरे पास बनेगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 आ रहे हैं प्लस कर दीजिएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय 50 हो जाएगा इज इक्वल टू. अगर मैं इसको ले लूं तो ये किनारे 60 है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 30. अच्छा चल मैं फिर भी देख लेता हूं कि 1800 ये आ रहा है मेरे पास और माइनस 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा डिवाइडेड, अच्छा डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा इज इक्वल टू एफ आ जाएगा. तो एफ इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 50, कैंसिल 12 न्यूटन इज आंसर हमारे पास, बी इज आंसर आपके पास. आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम नहीं है.
हरीश ओके, ये क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, फिर उसके बाद थ्योरी सेक्शन शुरू हो जाएगा। द टोटल वेट ऑफ द लोड एंड द व्हील बैरो शोन इन इज 600 न्यूटन, ये तो गिवन है भाई, टोटल 600 न्यूटन है। वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ फोर्स एफ नीडेड जस्ट लिफ्ट द लोड व्हील बैरो। ये देखें हमारे पास जो क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा वो 600 मल्टीप्लाइड बाय 70 आ रहा है, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय 70 प्लस 50 120। तो इस तरह से एफ मैं लगा देता हूँ, सॉरी बल्कि 430 120 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 350 हमारे पास आंसर है। हाँ ए आंसर आ जाएगा, ठीक है 350 आंसर आ रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये आई एम श्योर इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।